महाराष्ट्र से लेके अपने जो जिले से लेके आप मंत्रालय से पैदल यात्रा कर रहे हो जिस तरह से जाति दाखिले के लिए, कौन कौन सी जाति आपके साथ शामिल है और अगर मुख्यमंत्री से आज मुलाकात होगी तो किस मुद्दे को लेकर बातचीत होगी? टोकरे कुली, महादेव कुली, मल्लार कुली, ये जनजाति में संविधान ने दिया हुआ अधिकार है, लेकिन बहुत से हमारे लोगों को जो सर्टिफिकेट है, जो वैलिड है, वो होता नहीं है। कुछ लोगों को सिर्फ 1% लोगों को मिलता है, 99% जो लोग है वो वंचित है। इसी के लिए हम एक सरकार से एक ये आंदोलन कब से कर रहे हैं, सरकार से रिक्वेस्ट है कि एक GR पारित करे, इम्पीरियल डाटा डिस्ट्रिक्ट गैजेट मानव शास्त्रज्ञ और जनगणना अहवाल, इसके आधार पर एक GR पारित करे और हमारा समाज को न्याय दिलाने की कोशिश करे, यही मांग हम शिंदे साहब से करने वाले हैं। अगर हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आज का कितवा दिवस है ठाणे में और अब तक कौन कौन से मंत्री आपने आपसे मुलाकात कर चुके हैं? आज का हमारा तीसरा दिन यहाँ पे है, लेकिन 13 दिन से हम घर से निकले हैं पैदल, तो हमसे किसी मुख्यमंत्री कोई मंत्री हमारे यहाँ तक आया नहीं। रमेश पाटिल विधान परिषद के BJP के MLA है, वो हमारे यहाँ तक आए, उनसे बातचीत हुई और गिरीश महाजन साहब से फोन पे बातचीत हुई। आज मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने बैठक लगाई हुई और वो बैठक में हम वहाँ पे हमारे जो मांगे है वो रखेंगे और मांगे की पूर्तता वो करते होंगे तो हमारा आंदोलन खत्म होगा, नहीं करते होंगे तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। मुख्यमंत्री के साथ बैठक में कितने लोग आप जाएंगे और संख्या क्या होगी उनकी? मुख्यमंत्री के बैठक में हम 10 पदाधिकारी हम वहाँ पे जा रहे हैं और 10 पदाधिकारी हम चर्चा करके जो जो वहाँ पे हुआ वो यहाँ पे आके हमारे समाज को सबको बताएंगे, उसके ऊपर फिर हम क्या करने का वो डिसीजन लेंगे। क्या लगता है मुख्यमंत्री की तरफ से कोई न्याय मिलेगा? मुख्यमंत्री बाला साहेब ठाकरे और आनंद दिए साहब इनके चेले हैं और वो गरीब का दुख दर्द समझते हैं, इसलिए हम बहुत बड़ी आशा है कि वो हमारा दर्द समझेंगे, हमारा दुख दर्द समझेंगे और हमारी मांगे पूरी करेंगे। अरे आरक्षण आमचं हक्काचं नाही कुणाच्या बापाचं, अरे आरक्षण आमचं हक्काचं नाही कुणाच्या बापाचं। आदिवासी टोकरे कोणी, माधव कोणी, मल्हार कोणी समाजाला न्याय मिळालाच पाहिजे। आदिवासी टोकरे कोणी, माधव कोणी, मल्हार कोणी समाजाला न्याय मिळालाच पाहिजे। चला भाऊ तू मागे बोलो, चला भाऊ तू मागे बोलो, कोण म्हणता देणार नाही घेतला बसू देऊ नका, हो अजून कोणाला बसू देऊ नका, तिथे थांबा सगळे राहू नका माझ्या मागं। चर्चा झाल्यानंतर इथे येईल ना आपल्या आरक्षण आमच्या हक्काचं।
आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आदिवासी की तरफ से ये जो आंदोलन किया जा रहा है जातीय दाखिले को लेकर, आज का कितना दिन है इसका और आपके क्या पद है और आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? मैं दत्तात्रेय सुनवासे आदिवासी कोड़ी सामाजिक संगठन के कार्याध्यक्ष हूँ महाराष्ट्र का। यहाँ पे सर 17 नवंबर से चल रहा है, यहाँ पे धूला से यहाँ पे सब लोग चल के आए और एक ही हमारी शासन की तरफ निवेदन है कि जो अभी सब लोगों को जो तकलीफ हो रही है कास्ट सर्टिफिकेट की और वैलिडिटी की, वो हमको देनी चाहिए। बस मुख्यमंत्री के साथ चर्चा है, क्या लगता है कि मुख्यमंत्री के चर्चा में कोई निकाल आपके बाजू से निकलेगा? इसके पहले भी मुख्यमंत्री के साथ में चर्चा हुई है, मीटिंग हुई है, उन्होंने सब हमारे मुद्दे ले लिए थे। खानापुरे सर वहाँ पे उन्होंने उनको पूरा मार्गदर्शन किया था कि उनको कैसा कैसा निकलना है और उसके ऊपर एक निवृत्त जज को बिठाने वाले थे। अभी तक उन्होंने उसके लिए पुष्टि नहीं दी है, लेकिन कल उन्होंने डिक्लेयर किया है कि हम 2 दिन में न्यायमूर्ति को दे देंगे और नाम आपको बता देंगे, कमिटी डिक्लेयर करेंगे, तो उसमें हमारे वोट एसपी के लोग होने चाहिए उसमें, तो हमको न्याय मिलेगा। अगर आज निकाल आपके बाजू से नहीं निकलता तो अगली भूमिका किस तरीके से रहेगी? आगे की तो अभी संघर्ष चल रहा है, हम लोग इधर झेलेंगे नहीं, जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं, ये हम लोगों ने सब तय किया है। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।